सो फ्रेंड, अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है और आपने अभी तक आधार कार्ड को अकाउंट से लिंक नहीं किया हुआ, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे सिर्फ और सिर्फ एक SMS भेजकर या फिर मैसेज भेजकर आप अपने आधार कार्ड को अकाउंट से लिंक कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो को बहुत ही बारीकी से आप देखिएगा और समझिएगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी आधार कार्ड को अकाउंट से लिंक करने के लिए आपको मैसेज भेजने से पहले। तो वहाँ पे आप ये भी चीज़ें देखिएगा और मैसेज भेजने का जो प्रोसीजर है पूरा स्टेप को फॉलो कीजिएगा। स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे सही तरीके से बिल्कुल, तो आपको बैंक की तरफ से क्या रिप्लाई आएगा यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। जब मैंने अपने बैंक का मैसेज भेजा हुआ तो मुझे क्या रिप्लाई आया था मैं आपको वो भी दिखा दूंगा वीडियो के एंड में। पहले आप देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगी आधार कार्ड को अकाउंट से लिंक करने के लिए। पहला जो होना चाहिए वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, दूसरा बैंक अकाउंट नंबर और डेबिट कार्ड दोनों में से दोनों होने चाहिए, और तीसरा आधार नंबर, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट और जो डेबिट कार्ड मैंने बताया ये हर एक बैंक का जो प्रोसीजर है, किसी बैंक में आपका अकाउंट नंबर मांगता है, किसी बैंक में आपका डेबिट कार्ड नंबर मांगता है। तो ये तीन चीज आप बिल्कुल अच्छे से रेडी रखेंगे तो आप अपने आधार कार्ड को अकाउंट से बहुत ही आसानी वे में लिंक कर पाएंगे। सो आपने ये तीन चीजें रेडी रखने के बाद आपने राइट मैसेज में आ जाना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास कोई सा भी फोन हो, चाहे वो सिंपल फोन हो चाहे वो स्मार्टफोन हो, यहाँ पे मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ वो आपका स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में आने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले वहाँ पे जिस बैंक के नंबर को टाइप करना है 2 में, आप जैसे 2 में आएंगे तो बैंक का नंबर यहाँ पे जो भी है आप नंबर देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने भी आ रहा होगा, ये नंबर आपने टाइप कर देना है। ये नंबर टाइप कर लेने के बाद आपने क्या करना है, टेक्स्ट मैसेज में आ जाना है। आप जैसे ही टेक्स्ट मैसेज में आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने हर एक चीज़ों को बिल्कुल ही बारीकी से देखना और समझना है। यहाँ पे अब आप देखिएगा यहाँ पे कैसे कैसे आपने मैसेज को टाइप करना है। यहाँ पे आपने टाइप करना है UID, कैपिटल में ही होना चाहिए UID। इसके साथ ही एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर करा दूँ, अगर आपको किसी और भी बैंक का आधार कार्ड कैसे लिंक करना है अगर आपने देखना है तो आपको आई बटन पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा आधार कार्ड लिंक का, तो वहाँ पे आप क्लिक करके आप अपने भी बैंक का देख सकते हो। जैसा कि यहाँ पे मैं आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का बता रहा हूँ। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने मोबाइल नंबर वहाँ पे टाइप कर दिया, मोबाइल नंबर टाइप कर लेने के बाद आपने राइट मैसेज में आ गए। राइट मैसेज में आने के बाद आपने क्या करना है, कैपिटल में टाइप करना है UID। सिंपली आपने जैसे ही UID टाइप किया तो आपने एक स्पेस दे देना है। एक स्पेस देने के बाद आपको 12 डिजिट का आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि ये देखिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए ये 12 डिजिट का आधार नंबर डाल दिया। आधार नंबर डालने के बाद अब आपने क्या करना है, एक स्पेस देना है। एक स्पेस देने के बाद आपको अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट, आपके अकाउंट का जो भी अकाउंट नंबर हो उसका लास्ट का 4 डिजिट, जैसे कि ये देखिए मैंने अकाउंट के लास्ट का 4 डिजिट आपका यहाँ पे डाल दिया। अकाउंट का लास्ट का 4 डिजिट डालने के बाद आप जैसे अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से इसको SMS करेंगे तो आपका जैसे ये मैसेज रिसीव होगा बैंक के पास, तो आपको बैंक की तरफ से एक रिप्लाई आएगा कि आपका जो आधार कार्ड लिंक का जो रिक्वेस्ट है वो हमें मिल चुका है, बहुत ही जल्द आपका आधार कार्ड आपके अकाउंट से लिंक कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से मैसेज पे रिप्लाई में इस टाइप का आएगा। इसके साथ ही मेरे पास कोई और बैंक है, मैंने अपने बैंक में जब भेजा था तो मुझे किस टाइप का रिप्लाई आया था मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा बैंक था वो कोई और बैंक था, आप यहाँ पे देख सकते हैं वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट फॉर आधार कार्ड लिंकेज ऑफ आधार कार्ड नंबर टू योर सेलेक्ट अकाउंट विल बी सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन। मतलब आपका जो अकाउंट आपने जो रिक्वेस्ट दिया हुआ आधार कार्ड अकाउंट से लिंक करने का वो हमें मिल चुका है, आपका आधार कार्ड वेरीफाई करने के बाद हम आपके अकाउंट से लिंक कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपके बैंक से, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा के से आपको मैसेज आएगा। सो यहाँ पे आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप कैसे, अगर आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी तक आधार कार्ड लिंक नहीं कराया तो आप कैसे एक SMS भेजकर या फिर मैसेज भेजकर आधार कार्ड को लिंक कर सकेंगे। सो वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिएगा, चैनल पर रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों अपने दोस्त अली को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।